हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिज़नेस एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट की। तो इसमें ऑब्वियस ही बात है, मैं एमकॉम का सिलेबस कवर करने जा रहा हूँ। तो इसमें आपके GNDU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। उनके एमकॉम के बिज़नेस एनवायरनमेंट के सिलेबस के बेसिस पे मैं आज आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें से हमारे सेक्शन बी से लेकर सेक्शन डी तक सारे टॉपिक्स ज़्यादातर कवर करने की कोशिश मैं करूँगा। क्योंकि सेक्शन ए बहुत लॉजिकली बहुत सिंपल है, जो बेसिक सी चीज़ें आपको सबको पता है, तो इसलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज किए जितना ईजिली आपको समझा सकता हूँ उतना जल्दी आपको समझाऊँगा। तो चलिए, इस पूरी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले नीति आयोग। नीति आयोग क्या होता है? देखो, जो नीति आयोग है ना, हमारे इंडिया में सबसे पहले प्लानिंग कमीशन होता था, जिसमें 1950 में, अगर हम बात करें, उसको बनाया गया था। 1950 के बाद जब मोदी सरकार आई, यानी 2014 में जब मोदी सरकार आई, तब उन्होंने इस चीज़ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया और रिप्लेस कर दिया, जिसके जगह पर आपको क्या मिला है अब, नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो 2014 में डिसाइड हुआ था कि ये आएगा, और 2015 में 1 जनवरी को इसको कैबिनेट ने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो नीति आयोग है वो है क्या, ये डिफरेंस आप आसानी से समझ जाओगे जब मैं आपको इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो देखिए, नीति आयोग था क्या, नीति आयोग एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है, यानी जो क्या करती है, एक तरीके से डिसेंट्रलाइज अप्रोच की ओर ध्यान देती है। मतलब सर, मतलब ये कि ये जो अप्रोच थी ना, प्लानिंग कमीशन से थोड़ी अलग इसलिए थी क्योंकि इसका जो मेन पर्पस होता था वो डिसेंट्रलाइजेशन होता था, यानी हमने अपने स्टेट्स को भी साथ में इन्वॉल्व करना है डिसीजन लेने के लिए रिगार्डिंग टू आवर इकोनॉमी। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था वो इन चीजेस में नहीं था, वो सिर्फ सेंट्रलाइज पावर में डील करता था। और बात आती है नीति आयोग की, ये एक एडवाइजरी रोल है, यानी एक पॉलिसी थिंक टैंक है, जिसमें अगर हम बात करें कि हम ज़्यादातर जो डिसीजंस हैं वो सभी से मिलजुल कर लेते हैं, और वो डिसीजंस के बेसिस पे हम अपनी पॉलिसीज़ को रेडी करते हैं। देयर आफ्टर हमारा जो अब सिस्टम है वो कॉर्पोरेट फेडरलिज्म का बन चुका है। वाई सर? क्योंकि हमने रोल ऑफ स्टेट्स को ज़्यादा इंक्रीज करा है जब से हम नीति आयोग को लेकर आए हैं, इस वजह से इसमें कॉर्पोरेट फेडरलिज्म ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, जब भी हम नीति आयोग की बात करेंगे तो साथ में कुछ और एडवांटेजेस भी हमें मिलने की नज़र आती हैं, जैसे कि इनोवेशन। इनोवेशन कैसे इंक्रीज़ हो जाती है? ऑफकोर्स इन्होंने कई इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करे प्रोडक्शन सेक्टर्स को, जिन्होंने इनिशिएटिव्स को लेकर अपनी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करी, और उन इंक्रीमेंट्स की वजह से क्या हुआ है, इनोवेशंस में काफ़ी फोस्टर इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है आज के टाइम में। और ये भी आप कह सकते हो एक तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव था जो इसने पूरा करने की कोशिश की है। देयर आफ्टर अगर हम बात करें, इट इज़ आउटकम ओरिएंटेड। आउटकम ओरिएंटेड मतलब क्या है, नीति आयोग जो है वो हमारे सिर्फ आउटकम्स के ऊपर फोकस करता है, ना कि रिसोर्सेज को एलोकेट करके छोड़ जाए। मतलब जो प्लानिंग कमीशन होता था वो करता क्या था, सिर्फ चीज़ों को लगा देना है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, जबकि नीति आयोग सिर्फ देता किस चीज़ को पे ध्यान है, आउटकम के ऊपर। इसको नहीं मैटर करता कि एलोकेशन कैसे लगी है, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा रिजल्ट से कि हमारा सिस्टम कैसा है। इसलिए नीति आयोग का मेन फोकस कहाँ है, आउटकम के ऊपर। ठीक है जी, बाकी कुछ चीज़ें आपके सामने हैं, जैसे कि इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका रोल क्या होता है। जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको ऊपर कवर किए उनसे रिलेटेड ही आपका इसमें रोल कवर हो जाता है, जैसे कि पॉलिसी बनाना, मोनिटर एंड इवेल्युएट करना उस पॉलिसी प्रोग्राम्स को, जो भी इसने चीज़ें करी हैं, गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाई हैं, रिकमेंडेशंस दी हैं, उन चीज़ों को चेक करना, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी बताना। इसके अलावा इनोवेशंस का स्टेप हमने पढ़ लिया। इसके अलावा सर, डेटा एंड रिसर्च का अगर मैं बताऊँ इसमें, तो ये डेटा ड्राइवन है। डेटा ड्राइवन मतलब इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, ताकि हम अपनी पॉलिसीज़ को अच्छे से इफेक्टिवली रेडी कर सकें। एंड देयर आफ्टर अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, तो नीति आयोग कुछ ऐसे सेक्टर्स को भी देखता है जहाँ पे हम अपनी फॉरेन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और उसमें अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा लेकर आ सकते हैं, ताकि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सके। दैट्स इट। अब इसके अलावा अगर हम बात करें सर, मैं आपको वो चीज़ें ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको लगेंगी, जैसे कि क्यों प्लानिंग कमीशन को चेंज किया गया है नीति आयोग के अंदर। अब कुछ बच्चे इसमें काफ़ी हद तक कंफ्यूज होते रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है इसके अंदर। जो भी हमने ऊपर कवर किया उससे रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग।
क्योंकि सेंट्रलाइज पावर होने की वजह से हमें काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लगता था। रोल ऑफ स्टेट्स जो था ना, मतलब स्टेट्स का रोल काफ़ी कम होता था और डिसीजन लेने में अकेले ही काफ़ी क्या करना पड़ता था, हमें ध्यान लगाना पड़ता था। इसीलिए जब नीति आयोग आया तो उसने इस चीज़ को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि उसका मेन मकसद है कि सभी से मिलजुल कर अगर डिसीज़न लिया जाए तो वो डिसीज़न इफेक्टिव होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा है क्योंकि हम बॉटम अप अप्रोच को अपनाते हैं, ना कि टॉप डाउन अप्रोच को। ठीक है जी। देयर आफ्टर हमारे पास ग्लोबल चेंजेस की अडेप्टेबिलिटी आसानी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन क्या कहता था, एक बार चीज़ हो गई है 5 सालों के लिए उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना होता है कि हमने 5 सालों में सिर्फ यही चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है जो हमने प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। तो इस वजह से वहाँ पे चेंजेस की अडेप्टेबिलिटी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उन चीज़ों में जो हमने सेट कर चुके हैं रिजल्ट्स, अगर वो अचीव नहीं होते या किसी वजह से चेंज करने पड़े तो काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन नीति आयोग में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, वहाँ पे सभी रोल्स स्टेट के साथ डिसीजन लेकर करते थे हम काम। और इसके अलावा नीति आयोग में जो चीज़ें हैं वो पॉलिसीज इस तरीके से तैयार करी जाती हैं ताकि जब भी उसको अडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़े हम उसको मॉडिफाई भी कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो नीति आयोग है, इसने UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ भी लिंक्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से अगर हम कहें तो इसका मेन फोकस कहाँ पे जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, यानी किसी भी प्रॉब्लम्स के बिना की जाने वाली डेवलपमेंट। ठीक है, इन शॉर्ट वर्ड। चलिए, इसके अलावा हेल्दी कॉम्पिटिशन्स का विकास अगर करवाना है तो वो नीति आयोग ने ज़्यादा करवाया है, क्योंकि जब भी अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की तो इसमें कंपटीशन इंक्रीज होता है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन जिसमें सभी को लगता है कि हम अपने से आगे बढ़ने के लिए किसी से लड़ना ज़रूरी नहीं है, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना ज़रूरी है अगर उन्हें आगे निकलना है और अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो देयर शुड बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। ये भी इसका मेन क्या रिजल्ट निकल के आता था नीति आयोग के बेक। तो नीति आयोग में ये सब कारणों की वजह से अगर हम कहें तो इसको लेकर आया गया प्लानिंग कमीशन से अगेंस्ट। ठीक है, अब हमारा जो नीति आयोग है वो कम यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कवर होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब जो प्लानिंग कमीशन है वही इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट कवर करता है। एक्चुअली में इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, ये गवर्नमेंट की एक तरीके से कह लो प्रोसेस होती है जिसमें वो अपने इकोनॉमिक गोल्स और उस गोल्स को कैसे अचीव करना है उनके रिगार्डिंग जब स्ट्रेटेजीज को प्रिपेयर करती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्लानिंग इन सिंपल वर्ड। राइट, तो सर जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 10th और 11th जो 5-year प्लान्स बने थे उनके क्या ऑब्जेक्टिव थे, उनके क्या स्ट्रेटजीज थी, उन दोनों को मिलाकर ही हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग्स के ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे अगर मैं आपको सिंपल सादी भाषा में कहूँ। या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी पॉवर्टी को कम करना, इकोनॉमी को ग्रो करना, BOP को स्टेबल करना, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट्स की जनरेशन करना, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, रिसोर्स को अच्छे से एलोकेट करना, एंड देयर आफ्टर मैंने बहुत से और भी पॉइंट्स आपको कवर किया जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की और ध्यान देना, ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स रहते थे। और यही इनके ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव किस में आपको देखने को मिलेंगे, 10th 5-year प्लान्स में। अब 10th 5-year प्लान्स में इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहते थे, सर एनुअल ग्रोथ को ऑन एन एवरेज 8% इंक्रीज करना है, पॉवर्टी को 5% तक गिराना है, मतलब कम करना है, लिटरेसी रेट को 75% तक अगर हम कोशिश करें तो प्लान पीरियड में लेकर जाना है, हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज मतलब प्रोवाइड करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, वेजेस रेट में या फिर किसी भी लिटरेसी के टाइम पीरियड में देयर शुड नॉट बी अ बायसनेस और अ जेंडर गैप। ठीक है, इसके अलावा हायर एजुकेशन को बढ़ाना है और टेक्निकल एजुकेशन को बीच में लेकर आना है, एंड देयर आफ्टर हेल्दी एंड फैमिली वेलफेयर्स को इंक्रीज करना है, दैट्स इट। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड यू कैन से दैट यही ऑब्जेक्टिव्स को मिक्स करके आप अपने इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स में भी कवर कर सकते हो। सर इसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं जो इसमें हेल्प करती हैं कि हम ये गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े उनको करने का तरीका। तो सर पहले नंबर पे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करोगे तो वहाँ मतलब फार्मर्स यानी एग्रीकल्चर के एरिया में बैकवर्डनेस जो है उसको कम किया जा सकता है उसकी वजह से। ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट से क्या होगा, हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर फोकस कर लिया जाएगा और उसकी वजह से जो हमारा हेल्थ और एजुकेशन का एरिया है वो भी ग्रो हो सकता है।
इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर की बात होती है वैसे वैसे इंडस्ट्री की भी बात होती है, कि हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं वो किससे पॉसिबल, मतलब जितनी ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करेंगे वो किससे पॉसिबल है, जब जब हम इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करेंगे। तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ को रिलेटेड विद ईच अदर, तो इसलिए इनका एक दूसरे के लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज पॉवर्टी एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है पॉवर्टी को दूर करने के रास्ते या फिर कुछ साधन। एलिवेशन मतलब एलिवेटेड प्रोग्राम्स आप कह सकते हो इसमें। यू कैन से दैट कि इसमें अगर हम बात करें कि पॉवर्टी के कुछ ऐसे आप प्रोग्राम्स करो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है या फिर कोई आप ही ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ताकि पॉवर्टी को कम से कम करने के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और काम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जा सकता है उसको दिखाया जाए। ठीक है, ये आपके कुछ मेन आप कह सकते हो स्ट्रेटजीज हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर पर देखना, इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। देयर आर मेनी कॉमन पॉइंट्स जो आपकी नॉलेज में काफ़ी हैं। ठीक है, बस आपको बताना इसलिए है ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो इसमें ज़्यादा अटके ना या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट सर, 11th 5-year प्लान क्या ऑब्जेक्टिव रखता था? देखो, जहाँ पे हमने बात करी वहाँ पे 8%, यहाँ है 9%। वहाँ पे हमने अगर बात करी है कि हमने अपने पॉवर्टी रेट को 5% तक कम करना है, यहाँ पे 10% तक बढ़ावा दे दिया हमने। इंक्रीज द लिटरेसी रेट वहाँ पे 75 था, यहाँ पे 80 तक लेकर जाना है। तो बस वही सेम पॉइंट्स हैं, बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशंस करी गई हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजीज हैं या फिर इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें दो तीन चीज़ें अलग आ गई हैं। सर कौन कौन सी? नंबर वन अगर मैं बात करूँ, मैं आपको सीधे वही पॉइंट्स पे लेकर चलूँगा, जैसे कि एनर्जी की सिक्योरिटी पे ध्यान देना। क्योंकि देखो, जैसे जैसे विकास हो रहा है एनर्जी का भी मिसयूज होता जा रहा है। लोगों को समझ में नहीं आता कि एनर्जी इज़ ऑल्सो लिमिटेड। जैसे वाटर लिमिटेड है तो वाटर से ही हमारी क्या बन रही है, एनर्जी, यानी एक कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी भी उसी से जनरेट हो रही है। तो एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो किसी भी वे में आप ले सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, आप अगर एनर्जी का मिसयूज़ करोगे तो वो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन सकती है। इसीलिए सिक्योर करना पड़ेगा एनर्जी की सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा, ये इसमें लिखा गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए भी, 11th प्लान ने अपने ऑब्जेक्टिव्स निकाले और कहा कि अगर आप इन्वायरमेंट को स्टेबल करोगे, सस्टेनेबल बना के रखोगे, तो इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छी कर पाओगे और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट था करप्शन मिटिगेशन। करप्शन के ऊपर ध्यान देने की कोशिश की गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो करप्शन लोगों का विकास भी होता है, और हर चीज़ में ज़्यादातर गवर्नमेंट्स एरिया में इन चीज़ों को आपने ज़्यादा देखा होगा। तो ऑफकोर्स वहाँ के एरिया में इन चीज़ों को देखते हुए 11th 5-year प्लान में ये कहा गया कि बहुत से ऐसे हमने कोशिश करनी है उस मेथड्स की जिसकी वजह से करप्शन को ज़्यादातर मिटिगेट किया जाए और ट्रांसपेरेंसीज को बढ़ाया जाए। तो ये कुछ मेन इसके अलग फीचर्स थे और ऑब्जेक्टिव्स थे और स्ट्रेटजी आप कह सकते हो जो इसमें ज़्यादातर फोकस करने के लिए कही गई। डन, चलिए तो यहाँ पे भी हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसमें कोशिश करूँगा कि सिर्फ आपको थोड़ी सी चीज़ें बता पाऊँ, क्योंकि रीज़न ये है कि ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है जो आपको सबको नॉलेज है ज़्यादातर, तो मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 मिनट्स के बीच में इसको कवर करने वाला हूँ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज यू नो वेल कि बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी सोसाइटी के लिए। तो सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्यों और मतलब अगेंस्ट और इन फेवर, क्यों नहीं चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्यों चाहिए, ये दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें किन किन ग्रुप्स के अगेंस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये तो आपको क्लियर है किन किन ग्रुप्स, क्रेडिटर, सप्लायर्स, कस्टमर्स, इन सब चीज़ों के लिए क्या करना है वो आपको पता है। लेकिन अगेंस्ट और इन फेवर ये क्या हो सकता है सर? तो जब हम बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के होने की, तो सर इससे क्या होता है, एथिकल कंसिडरेशंस बन जाती हैं, यानी हमें पता चलता है कि बिजनेस को कैसे एथिकली करना है हमने, मतलब एथिकली कौन सी चीज़ें हैं, ऑनेस्टी के साथ करना है, इंटीग्रिटी बना के रखनी है, फेयरनेस के साथ बिजनेस में आगे बढ़ना है। इसके अलावा हमारे कंज्यूमर हमारे लिए किंग होते हैं मार्केट के अंदर, तो ऑफकोर्स उनकी प्रोटेक्शन को बढ़ाना है, और इसीलिए कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में जागरूक करने के लिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के होने से क्या होता है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बढ़ावा मिलता है। सर कैसे? हमने अभी पढ़ा 11th प्लान में हमने बात करी थी कि हमने अपनी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज़ करनी है। इसका मतलब ये है हमने अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है, और इसके अलावा अपने वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है,
ताकि वेस्टेजेस जितनी कम होगी उतना हम ऑप्टिमम यूज़ कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज का। इसके अलावा सर नेक्स्ट स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी मैंने बात करी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ऑफकोर्स जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे तो दूसरे लोग भी हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उनको सेटिस्फाई कैसे कर रहे हैं। अगर हम उनको बेटर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, वेदर वो क्रेडिटर हैं, सप्लायर हैं, इन्वेस्टर हैं, कस्टमर हैं, तो दे विल ऑल्सो कम टू अस कि हम उनके मतलब वो हमारे पास आएंगे हर चीज़ के लिए कि हमारा बिजनेस अच्छा है, हमारी इमेज अच्छी है। तो ऑफकोर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्टेक होल्डर के रिलेशनशिप अच्छे बन जाते हैं जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे लेकर जाते हैं। इसके अलावा हमारा मेन इंपॉर्टेंट फोकस होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कि ब्रांड इमेज को इंक्रीज करना है। अरे भाई हमने नहीं करनी, अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देंगे, हम अपने बिजनेस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट ले आएंगे, तो ऑफकोर्स हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनको ये लगेगा कि ये बिजनेस काफ़ी अच्छा है, तो हमारी इमेज तभी अच्छी हो जाएगी जब हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली कस्टमर के ट्रस्ट के ऊपर हमारा मतलब कस्टमर का ट्रस्ट जीत लेता है और हमारी इमेज को बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से क्या होता है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबल बन जाता है हर चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से रिस्क को कम करने के लिए उसको पता है कि किस चीज़ का कौन सा रिस्क उसको कम करना है और कैसे करना है। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करें तो लीगल बेसिस पे भी अगर मैं बात करूं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, क्योंकि लॉज में लिखा गया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना है और अच्छे से कंप्लाई करना है, तो जब हम अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने लॉ और रेगुलेशंस को पूरा कर रहे हैं। तो इस वजह से दीज आर कोरिलेटेड, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेगुलेटरी और लीगल कंप्लायंस को पूरा करने के लिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बढ़िया वे होता है। दैट्स इट, तो ये आपके होने के कारण हो गए। सर क्यों नहीं होनी चाहिए उसके बारे में बता दिया ज़रा। ऑफकोर्स क्यों नहीं होनी चाहिए, सबसे पहला मैं आपको यहाँ पे सिंपल पॉइंट्स के साथ बताता हूँ, दैट इज़ शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कंपनी को एक तरीके से लॉन्ग टर्म विजन नहीं दे पाती, यानी कंपनी कहती है कि हमने लॉन्ग टर्म जाना है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स का विकास मतलब प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है कि सोसाइटी के लिए सबसे पहले सब कुछ करना है हमने। तो ऑफकोर्स इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है कि लॉन्ग टर्मली और शॉर्ट टर्मली फोकस कैसे करें हम अपनी अपनी चीज़ों के ऊपर। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना भी चाहते हैं तो भाई साहब हमारे पास रिसोर्स इतने सफिशिएंट नहीं है। हमने पढ़ा भी है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड और डिमांड्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड ऑफकोर्स, तो इस वजह से रिसोर्सेज इतने ही नहीं हैं कि हम अपने लोगों की हम अपने स्टेक होल्डर्स की सारी सेटिस्फेक्शंस को पूरा कर सकें, वेदर वो फाइनेंशियल बेसिस पर रिसोर्सेज की बात करूँ और वेदर वो ह्यूमन बेसिस पर बात करूँ, ठीक है। उसके बाद सर अगला आता है ग्लोबल सप्लाई चेन। ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर ध्यान देती है तो उसको ये भी देखना पड़ता है कि क्या वो सारे अपने सप्लाई जो वो कर रही है जहाँ जहाँ पे ग्लोबली, उन सभी देश के मतलब कंट्रीज़ के लॉज को फॉलो कर रही है, क्या वो फेयर प्रैक्टिसेस के साथ काम कर रही है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मजबूर करती है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स काम माना जाता है, इस वजह से भी कुछ बिजनेस इनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए, इसके अलावा आप लिख सकते हो कि रेगुलेशन चेंजेस जब जब होते हैं तो उस तरीके से नई नई कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस कर रहा है जैसे CSR का कुछ पार्ट उसको रखना ही पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर, तो उन बिजनेसेस को ये मैनेज करना पड़ेगा कि CSR में कोई अमेंडमेंट तो नहीं आई, किन किन चीज़ों की अमेंडमेंट आई है, हर तरह की चीज़ों को उनको देखना पड़ेगा। दैट्स इट, तो ये चैप्टर आपका होता है इसी के साथ डन। तो इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपका लास्ट जो टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये मैं आपको ओवरव्यू जरूर दे देता हूं, लेकिन अगर आपने एक ही क्वेश्चन करना है इस पूरे सेक्शन में तो इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स रखे गए जिसमें लिखा गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारे एनवायरमेंट को कंजर्व करना, प्रमोट करना उसकी प्रोटेक्शन को, और एनवायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और उन सारी कंट्रीज़ में उन सभी मैटर्स के लिए एप्लीकेबल है जो इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी सेट किया गया इन चीज़ों के लिए कि हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बना सके कि हमने इस एक्ट को फॉलो भी करना है, और अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता तो उनके लिए पेनल्टीज वगैरह का भी अरेंज इसमें किया गया है।
नेक्स्ट है रेगुलेटरी पावर। इस एक्ट ने अपनी कुछ पावर्स अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी दे दी हुई हैं, ताकि जो मतलब अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ में चेंजेस करने की या कोई गाइडेंस या कोई एडवाइजरी पावर देने की, तो ये एक कह लो एक्ट है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को पावर दे रखी है कि वो किसी भी तरीके की प्रोहिबिशन, क्लोजर या रेगुलेशन दे सकती है रिगार्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्री, ऑपरेशन और एग्रीकल्चर, एनीथिंग एल्स। ठीक है, एक पॉइंट है एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को कहा गया है इस एक्ट के द्वारा कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को आपको मैंडेटरी नोटिफाई करने के लिए आप कह सकते हो, किस चीज़ के रिगार्डिंग, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के रिगार्डिंग। मतलब क्या था सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई एनी एक्टिविटी डैट रिक्वायर मैंडेटरी क्लियरेंस थ्रू दी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि हमने किन इन्वायरमेंटल चीज़ों को प्रॉपर क्लियरेंस दे दी है कि ये बिल्कुल सही हैं और इनके ऊपर कोई भी और क्लियरिंग प्रोसेस नहीं होना चाहिए या इनके ऊपर कुछ और भी हमने एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा सर नेक्स्ट हमारे पास आता है हैजार्डियस सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी होते हैं, तो उनके ऊपर फोकस करना भी इस एक्ट का काफ़ी मेन रोल रहता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन को तो एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा लेकर आना इस एक्ट का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम माना जाता है, क्योंकि जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक हम उन चीज़ों को ज़्यादातर सिक्योर नहीं कर पाएंगे और अच्छे से आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, और अवेयरनेस तो तब तक इंक्रीज़ नहीं होगी जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन का लिंक इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको कवर कर दिए ताकि आप इसमें भी अगर कहो सर कुछ तो पता होना चाहिए ना, तो कुछ तो पता चल गया है। वैसे आप देखोगे तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल लॉजिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं अगर आप अच्छे से देखोगे तो। तो यहाँ पे आपका सर इसी के साथ सेक्शन नंबर बी डन होता है। हम पढ़ रहे हैं अब सेक्शन नंबर सी। तो अब देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि जब गवर्नमेंट अपने खर्चे ज़्यादा करने लग जाए और रेवेन्यू उसको कम हो रहा हो, यानी एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द रेवेन्यू, ऑब्वियस ही बात है। जब गवर्नमेंट के खर्चे यानी गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करने लग गई है और उसको जो रेवेन्यू सोर्सेज या टैक्सेशन सोर्सेज से पैसा मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो उस सिचुएशन को हम क्या नाम देते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो सर इसके होने से क्या हो सकता है, तो इसके होने से सर सबसे पहले हमारे ऊपर डेट बढ़ जाएगा, यानी हमारी कंट्री के ऊपर उधार बढ़ जाएगा। तो सर उधार बढ़ेगा तो उसी के साथ ही सेकंड पॉइंट कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगी। ऑफ कोर्स कि जब गवर्नमेंट ज़्यादा उधार ले लेगी और उसको पे करने के लिए उसके साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से अगर हम कहें कि ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने का मतलब क्या होता है कि हमें जो एक्चुअल काम करना है उसके ऊपर से हमारा ध्यान कम हो जाता है। इसके बाद जब भी गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है तो मनी सप्लाई कंट्री में ज़्यादा हो जाती है, जिसका कारण क्या बनता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाना, और इन्फ्लेशन का प्रेशर लोगों को काफ़ी तंग करता है। राइट, देयर आफ्टर क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है जब ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंड करने लग जाए ना, तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। किस तरीके की, कि इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बिजनेसेस को प्रॉब्लम आने लग जाती है उसको हैंडल करने में और लोन्स को बोरो करने के लिए। ठीक है, यानी अमाउंट्स को बोरो करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो जाते हैं, और इस वजह से प्राइवेट सेक्टर्स इसमें काफ़ी कह लो कि मुश्किल फेस करते हैं। ठीक है, जब भी हम ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि उस समय हमारी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा डाउन जाने के चांसेस रहते हैं। क्यों सर, ऑब्वियस ही बात है कि ज़्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री के ऊपर वो क्रेडिट रेटिंग को डाउन करने वाला पड़ता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जब क्रेडिट रेटिंग डाउन है तो हम जिससे भी लोन लेने जाएंगे उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग डाउन है, हमारी अच्छी नहीं है, तो वो ज़्यादा कॉस्ट रखेगा, यानी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाएगा उस बोरोड अमाउंट को देने के लिए। ठीक है, जब भी हम ज़्यादा स्पेंडिंग करने लग जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमें बाहर से बोरो करना है, तो मतलब क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है एक तरीके से ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम ज़्यादा स्पेंड करने लग गए हैं, हमें किसी और से पैसा कम मिल रहा है, हम अपने सोर्सेज से ज़्यादा पैसा नहीं ले पा रहे हैं, तो हम बाहर से पैसा लेंगे, और बाहर से पैसे लेने का मतलब हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर एक तरह से डिपेंड होते जा रहे हैं। तो जब एक ही चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो जो मेन इशू है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी हम अपने जो डेफिसिट सिचुएशन है उनको कभी भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर हम डिपेंडेंस हो जाते हैं किसके ऊपर, बॉरविंग अमाउंट के ऊपर। तो दिस इज़ द मेन इम्प्लीकेशंस मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दी हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो देयर आर द मेन इम्पॉर्टेंट, कह लो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कवर की गई है।
इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कुछ दो तीन पॉइंट्स बता देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि फिस्कल डेफिसिट कब कब एक्सेप्ट कर लेती है गवर्नमेंट, यू कैन से दैट कब इस सिचुएशन को गुड माना जाता है, जब इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड है। ऑब्वियसली बात है, जब इकोनॉमी में पता ही है कि खराब सिचुएशन है तो तब हमें बोरो करना ही पड़ेगा पैसा। उसके बाद है जब हमें पता है कि किसी ऐसी चीज़ के लिए हमने पैसा लगाना है, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हमारी जो इकोनॉमी में फ्यूचर रिटर्न्स हमें अच्छे मिल सकें, तो ऑफ कोर्स गुड इंफ्रास्ट्रक्चर गिव यू द गुड फ्यूचर रिटर्न। तो इस वजह से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड करने में ज़्यादा सोचती नहीं है। सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन एक ऐसी वर्कफोर्स है जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट जब मर्जी अपनी कैपेबिलिटी से दे सकती है। तो इस वजह से अगर गवर्नमेंट उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की और सोचे तो उनको हमेशा यही रहता है कि हमें ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा आने वाले टाइम पीरियड में, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट आज करते हैं तो हमें फिस्कल डेफिसिट का कोई इतना नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, इसके बाद आता है क्राइसिस मैनेजमेंट। जब पता है कि नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं लगातार, तो तब ऐसी सिचुएशन बन ही जाती है कि गवर्नमेंट को बाहर से पैसा बोरो करना ही पड़ता है, तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन वहाँ पे बेटर मानी जाती है, क्योंकि उसके अलावा कोई और फोकस हमारे लिए नहीं हो पाता। ठीक है जी, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बस बेसिक क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप उन चीज़ों को लिख के आ सको और समझ के आ सको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए आता है इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। सर, डिसइन्वेस्टमेंट एक अलग चैप्टर है अब हमारा। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? जब सेल, मतलब प्रोसेस ऑफ सेलिंग द गवर्नमेंट ओन्ड एसेट सच एज शेयर्स इन द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट, पब्लिक कंपनी या पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को प्राइवेट में लगा देना, या फिर कह लो कि गवर्नमेंट की अपनी एसेट्स यानी जो हैं उनको बेच देना किनको? प्राइवेट एंटिटीज को, दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि आप इसमें क्या क्या मेन चीज़ें समझते हो, सर हम अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा मोबिलाइज करने के लिए ऐसा करते हैं। मतलब क्या होता है सर? क्योंकि जब हम अपने पब्लिक सेक्टर से निकाल कर प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो प्राइवेटाइजेशन है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज को मोबिलाइजेशन ज़्यादा मिलती है, यानी हम इधर उधर अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मूव ऑन कर सकते हैं और उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। देयर आफ्टर आता है फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। तो ऑफकोर्स फिस्कल डेफिसिट जो हमारे लिए ऊपर एक प्रॉब्लम बन रहा था उसको कम करने के लिए भी हमारे पास एक रास्ता है, दैट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट की सारी एसेट्स को बेच के प्राइवेट को दे देंगे तो हमें जो पैसा आएगा तो ऑफकोर्स उसकी वजह से हमारा जो डेफिसिट बना हुआ था गवर्नमेंट का वो कम हो जाएगा। एफिशिएंसी प्रमोट होने का सबसे बढ़िया साधन है, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन किसी वर्ल्ड में आ जाता है तो ऑफकोर्स वहाँ पे प्राइवेट वर्क ज़्यादा होता है और इंडिविजुअल अपनी कैपेबिलिटी से अपनी एफिशिएंसी को ज़्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, इसके बाद सर इसमें कुछ रैशनल चीज़ें या फिर आप कह सकते हो अगर मैं कहूँ इम्प्लीकेशंस, रैशनल और इम्प्लीकेशन, एक्चुअली में ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। तो बच्चों को अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि डिसइन्वेस्टमेंट में कौन सी इंपॉर्टेंस है या फिर कौन सी मेन पॉजिटिव पॉइंट्स और इम्प्लीकेशन सामने आती हैं, तो यू कैन राइट इट एज सेम एज इम्प्लीकेशन का दो मतलब निकल के आते हैं कि हमने क्या कंक्लूड किया, वो पॉजिटिव कंक्लूजन था कि वो नेगेटिव था या दोनों थे। तो दोनों चीज़ें उसमें देनी होती हैं जब आपको इम्प्लीकेशंस पूछी जाती हैं। तो इसमें ही आपकी स्पेशली क्या कवर हो जाएगी, आपकी इंपॉर्टेंस कवर हो जाएगी, आपका रैशनल कवर हो जाएगा। अच्छे से देखो ज़रा। ठीक है, तो सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट क्या पॉजिटिव पॉइंट लेकर आता है? रेवेन्यू जनरेशन। तो जब हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो सरकार को उससे क्या होने वाला है? ऑब्वियसली बात है, रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिससे फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा। एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये हमने ऊपर ही अभी पढ़ा, तो ऑफकोर्स इस पॉइंट को मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। जॉब कंसर्न्स हो जाते हैं कैसे सर? ऑफकोर्स जब गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को बेचकर प्राइवेट को दे देता है उससे क्या होता है, हमें डर रहता है कि यार हमारी, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, कभी कभार हमें डर रहता है कि हमारी जॉब चली ना जाए। तो ये एक कह लो कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी आप इसको कह सकते हो। जॉब कंसर्न का मतलब अगर मैं कहूँ ना, इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में एक बार लेकर देखो। तो पॉजिटिव मतलब ये है कि गवर्नमेंट होती है तो हमें जॉब कंसर्न थोड़ा कम होता है कि हमारी जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फिक्स हो गई है कई बार, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में ऐसा कभी नहीं होता। तो वहाँ पे लूज आउट रहता है कि भाई साहब कब मर्जी जब मर्जी, ये नेगेटिव पॉइंट नज़र आ जाता है कि जॉब के ऊपर ज़्यादा कंसर्न करना पड़ जाता है कि कहीं पर किसी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कंडीशन या ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए जिसमें हमें जॉब से हाथ धोना पड़े। मार्केट इम्पैक्ट, गवर्नमेंट जब भी अपनी चीज़ों को बेच के प्राइवेट को दे देती है तो उससे गवर्नमेंट में क्या, मतलब उसमें मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में
ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है। कैसे सर? इन्वेस्टर्स और मार्केट स्टेबिलिटी में काफ़ी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने लग जाता है, यानी जहाँ पे पता चले कि भाई साहब इनके शेयर्स बिक कर दूसरी चीज़ में चले गए हैं प्राइवेट में, तो लोगों में वहाँ पे जो सेल परचेज है शेयर मार्केट के ऊपर वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लग जाएगा, जिसकी वजह से आप देखोगे कि फ्लक्चुएशन इन द मार्केट काफ़ी बढ़ने लग जाएंगी और मार्केट अनस्टेबल पोजिशन में चली जाएगी, राइट। देन उसके बाद आता है पॉलिटिकल ओपोजिशन। डिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन फेस द पॉलिटिकल रेसिस्टेंस स्पेशली व्हेन दे इन्वॉल्व पॉपुलर एंड स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर कंपनी। ऑफकोर्स जब हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज की चीज़ों को इधर उधर कर रहे हैं, यानी पब्लिक सेक्टर को हम उसकी एसेट्स को प्राइवेट को देने लग रहे हैं, तो जो बाकी बचे पब्लिक सेक्टर्स हैं उनके लिए एक तरीके से ये रेसिस्टेंस बन जाती है। यू कैन से दैट एक पॉलिटिकल ओपोजिशन सिचुएशन आ जाती है कि ये गलत चीज़ थी शायद, ठीक है। सेक्टेरियल इम्पैक्ट। सेक्टरल इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम ऑब्वियसली एक ट्रांसफरिंग कर रहे हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में उन चीज़ों की, कि जैसे अब सपोज़ एक जगह पर हमारी गवर्नमेंट कंपनी है और पब्लिक सेक्टर्स हैं उनके शेयर्स को दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं, तो स्पेसिफिक सेक्टर जो था हमारा वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अगर हमारे लिए कोई इंडस्ट्री सेक्टर था उसके शेयर्स को बेचकर किसी और इंडस्ट्री सेक्टर में किसी और एरिया में लगाए जा रहे हैं, तो किसी स्पेसिफिक सेक्टर एरिया में भी हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में इम्पैक्ट डाला है और उसका सेक्टोरियल इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ जाता है उन चीज़ों में, यानी हमारे जो सेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं उन चीज़ों से, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम डिसीज़न लेकर आएँ तो सर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब डिस इन्वेस्टमेंट करी जाती है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में डेवलपमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को जब फ़ायदा होता है तो वो अपने फ़ायदे को कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर लगाने की कोशिश में रहता है और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने की कोशिश बनी रहती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिस इन्वेस्टमेंट, जो आपको मैंने काफ़ी हद तक अच्छे से बताया इसके एडवांटेजेस के साथ, इसके इम्प्लीकेशंस के साथ। लेकिन सर इसके लूज पॉइंट आपको अभी बताने बता दिए, जॉब लॉसेस, जॉब लॉस होने के चांस रहते हैं, मोनोपोली कंसर्न्स। देखो जी, जब डिसइन्वेस्टमेंट करोगे प्राइवेटाइजेशन के हैंड में सारा कुछ आ जाएगा, तो ऑफकोर्स प्राइवेटाइजेशन की मोनोपोली होने का यहाँ पे डर रहता है। देन आता है सोशल इम्पैक्ट। ऑब्वियसली ऊपर हम क्लियर कर चुके हैं इन चीज़ों को। लॉस ऑफ कंट्रोल, गवर्नमेंट के हाथ से कंट्रोल चला जाएगा अगर सारी ही चीज़ें प्राइवेटाइजेशन में चली गई, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट जो है उसका लिमिटेड इंटरवेंशन हो जाएगा, तो लोगों को लगता है शायद बढ़िया है। अरे नहीं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन में होना बहुत ज़रूरी होता है, इस वजह से कंट्रोल लूज आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, डिसइन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम आ जाए तो। मार्केट कंडीशन अभी मैंने बताया, ऊपर कवर करा, शेयर मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन होगी जिसकी वजह से मार्केट अनस्टेबल पोजीशन में चली जाएगी। तो देयर आफ्टर यू कैन से दैट देयर आर थ्री मोर पॉइंट्स जो आप अच्छे से कर सकते हो। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ पे ऑलरेडी वैसे मैंने नोट्स शेयर कर दिए हैं, अदरवाइज ये नोट्स भी आपको वहाँ पे वैसे मिल गए होंगे। नहीं मिले हैं मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ऑब्वियसली बात है आपको वहाँ पे सेंड हो जाएंगे आपके पर्सनल मीट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं इंडिया के अंदर। COVID-19 के रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमने जब देखा फिस्कल चेंजेस काफ़ी देखने को मिले। इन रिस्पॉन्स टू COVID-19 द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द सेवरल फिस्कल चेंजेस पैकेजेस टू द सपोर्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सपोर्ट के लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने अपने फिस्कल चेंजेस किए, जैसे कि कुछ पैकेज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, और वो पैकेजेस में क्या क्या था, कोई ना कोई इनकम सपोर्ट मिल रहा था किसी फैमिली को, ठीक है, किसी ना किसी वनरेबल पॉपुलेशंस को क्रेडिट सपोर्ट दिया जा रहा था। गवर्नमेंट किसको क्रेडिट सपोर्ट दे रही थी? बिजनेसेस को। और कहीं पे भी अगर सेक्टर में कोई रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी थी तो वहाँ पे फिस्कल रिफॉर्म्स को लेकर आया जा रहा था। तो कुल मिला के सबसे इंपॉर्टेंट COVID-19 के रिफॉर्म्स में ये सब चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। पब्लिक स्पेंडिंग, द गवर्नमेंट एम टू बूस्ट द पब्लिक स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। कि जो भी हमारा फिस्कल पॉलिसी का चेंज था उसमें पब्लिक स्पेंडिंग को ज़्यादा बूस्ट किया गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पब्लिक के ऊपर स्पेंड करेंगे, उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर बेनिफिटेड देंगे चीज़ें, तो ऑफकोर्स हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी और हम जॉब्स को भी क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ होगी तो इकोनॉमी में अंदर क्या होगा, जॉब्स भी क्रिएट होने लग जाएंगी। डिसइन्वेस्टमेंट की पोजीशन अभी मैं बता चुका हूँ, तो ऑफकोर्स फिस्कल चेंजेस में डिसइन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट भी लेकर आया गया।
नेक्स्ट आता है टैक्स रिफॉर्म। देयर वर अ डिस्कशन एंड रिफॉर्म्स रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी सिस्टम एंड द डायरेक्ट टैक्सेस टू मेक देम द मोर बिजनेस फ्रेंडली। आपने देखा होगा COVID-19 के बेस पे हमने काफ़ी ऐसे रेट्स को भी चेंज होते देखा जो स्पेसिफिक पीरियड के लिए चेंज किए गए। कुछ स्पेसिफिकली चीज़ों में आपने देखा होगा कि एक्सटेंशन दी गई। ऐसा क्यों किया गया? ताकि एक सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर लोगों के लिए रखा जाए ताकि लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए उन पीरियड्स के अंदर। ठीक है, तो फिस्कल चेंजेस इसमें भी आपको देखने को मिली हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तो ऑब्वियसली बात है फिस्कल चेंजेस में लेकर आना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि आजकल डिजिटल कनेक्टिविटी हर एक चीज़ों में जा चुकी है, तो यू कैन से दैट डिजिटल एरिया आ चुके हैं हर फील्ड में। रेलवे रोड्स वगैरह को ज़्यादा आगे इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, हर एरिया को रेलवे और रोड से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, राइट। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, तो COVID-19 में ही एक ऐसी सिचुएशन भी आई थी जब आपके फिस्कल पॉलिसीज में यू कैन से दैट COVID-19 के जो पेंडेमिक था उसके अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा देने की कोशिश की। फिस्कल रिफॉर्म्स लेकर आए किसके रिगार्डिंग? हेल्थ एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग, ताकि कहीं पे भी हेल्थ और एजुकेशन पे इफेक्ट ना पड़े, बच्चों के करियर और लोगों की सेहत के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बता दिए फिस्कल चेंजेस। अब हम बात करते हैं कुछ मॉनिटरी चेंजेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपका कवर होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या था? जो RBI थी उसने कुछ एडजस्टमेंट भी करी। कैसा मतलब सर? द RBI मेड द एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट रेट टू सपोर्ट द इकोनॉमिक रिकवरी। दिस इंक्लूड द रेपो रेट टू इंकरेज द रिकवरी इंकरेज द बॉरविंग एंड द स्पेंडिंग। ऑफकोर्स जब रेपो रेट बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्यों बढ़ाने की कोशिश होती है रेपो रेट को? तो एक चीज़ यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि बॉरविंग पावर कंट्रोल में आ सके, मतलब बॉरविंग पावर ज़्यादा इंक्रीज हो सके, स्पेंडिंग को ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि लोगों के हाथ में जब ज़्यादा पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट्स की एडजस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखी गई कि कैसे की जाए फिस्कल चेंजेस इसमें, मतलब मॉनेटरी चेंजेस इसमें कैसे लेकर आए जाए। मॉनेटरी पॉलिसी में एक चेंज ये भी आया कि लिक्विडिटी मेजर्स को ज़्यादा देखना शुरू किया गया, क्योंकि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बिजनेस में लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, तो ऑफकोर्स इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। रेगुलेटरी चेंजेस के ऊपर भी देखने की कोशिश की गई कि रेगुलेटरी हमारी जो इकॉनमी है वो कितनी स्टेबल है और बैंकिंग का सिस्टम जो है वो कितना गवर्न्ड है एक फाइनेंशियल सेक्टर के एरिया में। देयर आफ्टर इन्फ्लेशन को टारगेट करके इन्फ्लेशन को रोकने का कार्य किया गया। मतलब क्या था सर? इंटरेस्ट रेट को जब भी हम ऑब्वियसली बात है क्या करते हैं ज़्यादा बढ़ा देते हैं ना, तो उससे क्या होता है मनी सप्लाई कम होने लग जाती है। तो ऑफकोर्स वहाँ पे क्यों कम होने के चांसेस रहते हैं कि अब लोगों के हैंड में पैसा ही नहीं है, तो पैसा ना होने की वजह से वो खरीद नहीं पाएंगे, तो प्राइजेस के बढ़ने के चांसेस भी वहीं पे रहते हैं। तो इन्फ्लेशन प्रेशर आने की वजह से यू कैन से दैट काफ़ी इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फ्लेशन को टारगेट किया गया इस मॉनेटरी चेंजेस के अंदर कि कब ज़रूरी है इन्फ्लेशन और कैसे इसको कंट्रोल करना है अपने बहुत से ऐसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर से। ठीक है, देयर आफ्टर अगर मैं बात करूं, यू कैन से दैट इसमें मेन चीज़ें और जो आपके कवर करने वाली हैं, दैट इज़ मैं NPL ले सकता हूँ, दैट इज़ नॉन प्रॉफिट लोन दैट एड्रेस द इशू ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स मे रिक्वायर ऑन गोइंग एफर्ट टू स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट्स ऑफ द कंपनी एंड इम्प्रूव द एसेट्स क्वालिटी। ऑफकोर्स नॉन परफॉर्मिंग लोन क्या होते हैं? जिस लोन को हमने ले लिया पर वो अभी तक हमने वापस नहीं किए, या फिर उसका जो यूज़ करना था वो हमने अच्छे अभी तक उस काम में किया नहीं है। ठीक है ना, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि अगर हम अपने NPLs को लेकर आते हैं, NPL के इश्यूज़ को देखने लग जाते हैं, तो उससे हमारी जो बैलेंस शीट है वो अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। मतलब जितने हम LPLs को भी देखेंगे, NPLs को, उससे क्या होगा, हमें अपनी बैलेंस शीट्स को इफ़ेक्टिव बनाने का तरीका पता चलेगा और अपनी एसेट्स की क्वालिटी को ज़्यादा बेटर करने का भी तरीका इसमें आ जाता है। तो कुल मिला के मॉनेटरी पॉलिसीज में इस तरीके के चेंजेस किए गए जो कि मॉनेटरी वैल्यू से रिलेटेड हैं, इकोनॉमी की मॉनेटरी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए तो बस इस सेक्शन सी को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक है सर कि फेमा के सेलियंट फीचर्स के बारे में बताइए और इंडस्ट्री पॉलिसीज के बारे में बताइए। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार इन टॉपिक्स को देख लीजिएगा, एक अंडरस्टैंडिंग बेस है और कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से आपका एक क्वेश्चन तो कवर हो चुका है जितना मैंने समझाया। अदरवाइज़ अगर मैं आपको ये कहूँ कि इंडस्ट्रियल बेस और फेमा जो है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो आपकी वही है जो आपने ऑलरेडी वैसे करी हुई है, जिसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के कंसेप्ट ज़्यादा कवर होते हैं और उनके इम्पैक्ट क्या पड़े थे वो कवर होते हैं। तो वो कंसेप्ट आपने सेक्शन ए में भी कवर किया हुआ है,
लेकिन अगर फेमा की बात करूं तो फेमा एक तरीके से कह लो कि फेरा का ही एक्सटेंशन किया गया था, फेरा को रिप्लेस करके लेके आया गया था। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस करने के बाद, जिसका मेन क्या होता था, मतलब कि हमने अपनी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस को कन्वर्जी करेंसी कन्वर्जन को और उसके रिगार्डिंग कितने और एस्पेक्ट्स आते हैं जो कि फॉरेन करेंसी से रिगार्डिंग है, फॉरेन एक्सचेंज से रिगार्डिंग है, उनको मेंटेन कैसे करना है, उनको स्टेबल कैसे रखना है, उसका इम्पैक्ट कैसे कंट्रोल करना है। तो इस वजह से फेमा को लेकर आया गया जो कि सिर्फ मैनेजमेंट करता था किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, इसमें मेनली हमारे कुछ एक्ट प्रोविजंस कवर होते हैं जिसमें काफ़ी हद तक आपने नॉर्मल सी चीज़ें ही पढ़नी हैं। ठीक है, इसको रिप्लेस किया गया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक्सटर्नल ट्रेड जो है उसको ज़्यादा बढ़ाना है और अपनी इकोनॉमी में डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए इसको मेनली रखा गया, क्योंकि जितना एक्सटर्नल ट्रेड बढ़ेगा उतनी हमारी कंट्री की डेवलपमेंट भी होने के चांसेज हैं जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ ऑथराइज पर्सन्स लेकर आए गए, ऑथराइज पर्सन्स मतलब बैंक का ज़्यादा इसमें रोल रखा गया, ऑथराइज डीलर्स लेकर आए गए और मनी चेंजर्स इसमें ज़्यादा लेकर मनी चेंजर्स को लेकर आया गया। तो इसमें कुछ ऑथराइज पर्सन्स हैं जो सिर्फ स्पेशली यहाँ पर डील करते हैं, मतलब इन शॉर्ट फॉरेन एक्सचेंज से ज़्यादातर लिंक्ड कौन पर्सन होते हैं उनको हमने इसमें रखा हुआ है। देयर आफ्टर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेट करने के लिए भी फेमा का आगे मतलब रोल रखा गया है। कैपिटल ट्रांजेक्शन्स मतलब सर किसी भी लोन के रिगार्डिंग, किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है दैट इज़ इन रिजल्ट ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शन, उससे हमें कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितनी इनकम आ रही है, कितना फॉरेन एक्सचेंज में उसका रोल है, ये सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम उसकी रेगुलेशन भी आसानी से कर सकते हैं। यानी रेगुलेशन मतलब उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हम पे ना पड़े, फॉरेन एक्सचेंज की वजह से कैपिटल ट्रांजेक्शन्स मूव ऑन ज़्यादा ना करें, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट ना हो, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिटेड रहें, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देती है, मतलब ये एक्ट जो है वो हमें कुछ रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है कि इन चीज़ों में फॉरेन एक्सचेंजेस जो होती हैं उनकी अगर हम वॉयलेशन करेंगे तो उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए इसमें कह सकते हो कि इन्फोर्समेंट अप्लाई किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस ये भी रहना चाहिए कि इस एक्ट को आगे बढ़ाया जाए और साथ ही में इन्वेस्टिगेशन भी इसमें करी जाती है कि कौन सी चीज़ आपने पूरी नहीं की फॉरेन एक्सचेंज की, किन चीज़ों को एक्चुअली में हमने देखना था। यानी फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो इसमें कवर किया गया है कि फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग करेंसी कन्वर्जन के ऊपर ध्यान देना, फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन की रेगुलेशन करना, फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग अपील और पेनल्टी लगेगी अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया, फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स को ऑथराइज पर्सन्स को इसमें रखा गया। तो दीज आर सम कॉमन पॉइंट्स यू कैन से दैट विच आर कवर अंडर फेमा। ओके, तो मैंने इसको भी दे दिया आपको कवर करके। अब इसके साथ आपका सेक्शन सी भी हो जाता है कवर। ओके, चलिए अब सेक्शन डी की ओर देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमरिज्म। क्या होता है, देखो कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है एक ऐसा सोशल मूवमेंट जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन और उनके राइट्स को आगे बढ़ाने के लिए रखा जाता है। मतलब इन शॉर्ट कंज्यूमर की प्रोटेक्शन रख, मतलब कंज्यूमर के राइट्स की कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है और कंज्यूमर राइट्स को इंक्रीज मतलब ज़्यादा अवेयर कैसे किया जाए कंज्यूमर्स के अंदर, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं जो इन चीज़ों के ज़रिए, मतलब जो हम ये चीज़ें कर रहे हैं जो मैंने अभी बताई, कंज्यूमर प्रोटेक्ट हो जाए, कंज्यूमर राइट्स के बारे में अवेयरनेस उसको रहे, ये दो तीन चीज़ें जो मैंने अभी आपको कही ना, ये सभी एक मूवमेंट्स के अंदर कवर होती हैं। वो मूवमेंट क्या कहलाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, कंज्यूमरिज्म। ठीक है, तो कंज्यूमरिज्म की ज़्यादा मेन जो रोल रहता है वो यही रहता है कि कंज्यूमर की इम्पोर्टेंस को बढ़ाया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चॉइसेस दी जाएँ कि वो अपनी चीज़ों को चुने, सेफ तरीके से उसको ले और इन शॉर्ट अपने राइट्स के बारे में उसको जानकारी हो और उसके बेस्ट इंटरेस्ट के साथ उसको सेटिस्फाई किया जाए। तो ये इसका मेन रोल भी रहता है अगर हम बात करें। तो कुल मिलाकर सबसे पहले क्या था कंज्यूमरिज्म जो हमने अभी समझा।
इसके बाद इसमें कुछ राइट्स आते हैं, मेरे ख्याल से इन राइट्स को ज़्यादा तो नहीं बताने की ज़रूरत, बट फिर भी देख लो एक बार कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब हर कंज्यूमर को राइट है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर उसको लेनी है तो प्रोड्यूसर उसको देनी ही पड़ेगी। तो कुल मिला के जो भी प्रोडक्ट मैं खरीदने जा रहा हूँ तो मेरा राइट है कि मैं प्रोड्यूसर से अगर मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती तो उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ जो उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट डिटेल्स में ज़रूरी है। कोई भी मतलब जैसे कह लो प्रोड्यूसर हमें बहुत से प्रोडक्ट दिखाता है, तो ऑफ कोर्स मेरा राइट है कि अगर मैं उस शॉप पे जाता हूँ तो मैं उन प्रोडक्ट में से किसी भी एक प्रोडक्ट या सभी प्रोडक्ट में से चॉइस कर सकता हूँ कि किसको मैंने लेना है। तो चॉइस का हक भी मुझे है कि मैं अपने बेसिस पे चॉइस करके भी किसी चीज़ को भी ले सकता हूँ। सेफ्टी का मतलब ये है कि कंज्यूमर का राइट है कि भाई साहब उसको सेफ चीज़ें देनी पड़ेंगी। मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो उसकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं, मतलब जो प्रोडक्ट उसके लिए ज़रूरी हैं और उसकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं, वही प्रोडक्ट उसको देने पड़ेंगे। प्रोडक्ट मतलब वही प्रोडक्ट उसको बेचने हैं, प्रोड्यूसर को ये कहा गया है। यानी प्रोड्यूसर ने अगर कोई भी चीज़ उसको सेल करनी है जो कि कह लो कि कुछ ना कुछ उसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, उसको यूज़ करने से पहले अवेयरनेस यानी उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, तो प्रोड्यूसर का राइट है कि उसको वो इन्फॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे बताए, इंस्ट्रक्शंस दे, ताकि वो उसका उसकी वजह से अगर उसने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी तो हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए। तो कुल मिला के उसका राइट है कि उसको सेफली कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट टू बी हर्ड। कहीं पे भी कंज्यूमर की कोई कंप्लेंट है किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो उसको सुनना भी एक तरीके से प्रोड्यूसर उसका राइट है कि वो जिसको भी अपनी कंप्लेंट दे रहा है, चाहे वो प्रोड्यूसर है चाहे वो कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, उनको राइट मतलब कंज्यूमर को राइट है अपनी बात को कहने का, अपनी कंप्लेंट को बताने का। नेक्स्ट आता है रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब ये है कि कंज्यूमर के लिए एक मशीनरी रखी गई है जो इन्हीं कामों के ऊपर ध्यान देती है कि कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और कंज्यूमर का एक राइट कह लो कि उस कंज्यूमर ग्रुप्स में जाकर उन रिड्रेसल्स में जाकर अपनी कंप्लेंट को बताना और एक कह लो कि कंपेंसेट लेना, ताकि उसका राइट भी सेफ रह सके और उनकी बात को भी सुना जाए। कंज्यूमर को एजुकेट करना भी इसके अंदर कवर हो जाता है कि कंज्यूमर आजकल इलिटरेट है कई जगह पर, तो उसके कौन कौन से राइट्स हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए उनके राइट्स को बताने के लिए भी एक राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है कंज्यूमरिज्म। हमें पता है कि क्यों ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी से ज़रूरी ये चीज़ है कि इसको क्यों सफल नहीं किया गया। तो देखो जी, इसके फेलियर होने के कारण है सबसे पहले इनकम की इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि जब तक इनकम अच्छे से स्टेबल पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो उससे क्या फैक्टर्स निकल के आ सकते हैं। ऑफ कोर्स इनकम मेरे हैंड में भी नहीं है, उसके हैंड में भी अच्छी, मतलब इन शॉर्ट किसी से रिच रिच हैं, पुअर पुअर होते जा रहे हैं। मतलब लोगों को जो पुअर है ना, वो पुअर होते ही जा रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा अपनी बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनको वो एजुकेशन भी नहीं मिल पाती कि जो उसके राइट्स को उनको बताए। तो जब अवेयरनेस ही नहीं है उनको कंज्यूमर्स के बारे में, कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में, कंज्यूमरिज्म्स के बारे में, तो ऑफ कोर्स उसके फेलियर के होने के सबसे बड़े चांसेस इनकम इक्वालिटी ही बनता है। कल्चर रेसिस्टेंस। ट्रेडिशनल कल्चर वैल्यू ऑफन प्रायोरिटाइज सेविंग्स ओवर कंसोवियस कंजप्शन। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि कंजप्शन से पहले ज़्यादा ज़रूरी है सेविंग। तो जब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, कंज्यूमर कंज्यूम ही नहीं करने जाएगा, प्रोड्यूसर से बातचीत ही नहीं करेगा, किसी चीज़ को लेने ही नहीं जाएगा, तो सेविंग्स जब ज़्यादा हो जाएंगी तो ऑफकोर्स कंज्यूमरिज्म का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी। ऑब्वियसली बात है, इलिटरेसी इसमें कवर हो जाती है कि जब तक कंज्यूमर को नॉलेज ही नहीं मिल रही, उसने अच्छी गेन उसने एजुकेशन ही नहीं ली है, उसको प्रॉपर लिटरेसी ही नहीं पता, मतलब उसको पूरी एजुकेशन उसको पूरी राइट्स के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, उसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत है, तो ऑफ कोर्स यू कैन से दैट कंज्यूमरिज्म वहाँ पे फेल हो जाएगा। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन द रूरल एरिया लिमिट एक्सेस टू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इंपेंडिंग द ग्रोथ ऑफ कंज्यूमरिज्म। जब तक हमारे प्रोडक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं है, हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं होगा, और जब प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, कंज्यूमर अच्छे कह लो अच्छे लेवल पे सेटिस्फाई नहीं होगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ना होने की वजह से कंज्यूमरेबल फेल माना जाता है। रेगुलेटरी चेंजेस। जब तक ज़्यादातर लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाली हैं, इनकंसिस्टेंट जो वीक कंज्यूमर होता है उसकी प्रोटेक्शन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है।
तो उनके रेगुलेशंस को हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, उन्हीं को अपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का शिकार बनाते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग, कि वीक कंज्यूमर को कैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाया जाए। इन्वायरमेंटल कंसर्न, मैंने अभी बताया जब तक हम अपने इन्वायरमेंटल के लिए कुछ नहीं करेंगे हमारा बिज़नेस तब तक अच्छे लेवल पे नहीं है और कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जब तक हमारे अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है बिज़नेस ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, एक तरीके से ब्रांड इमेज नहीं बना पाएगा और कंज्यूमर भी उन चीज़ों से सेटिस्फाई तब तक नहीं होता जब तक वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कोई बिज़नेस ना करे तो उसको देखे ना, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब तक हम ये चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं हमारा कंज्यूमरिज्म क्या होने वाला है, फेल ही होने वाला है। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं सर, कंज्यूमर ग्रुप्स में मतलब कंज्यूमर ग्रुप का जो रोल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में वो क्यों ज़्यादा है, मतलब कैसा रोल अपनाते हैं, मतलब कंज्यूमर ग्रुप्स क्यों होने चाहिए। तो सबसे पहले कंज्यूमर ग्रुप का होने का मतलब होता है कि वो कंज्यूमर को बताएं कि उनके कौन से हक हैं, उनका कौन सा राइट है, वो किन चीज़ों के लिए अपने राइट्स को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अवेयरनेस एंड एजुकेशन मतलब ये है कि ये कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम और ये कुछ ऐसे कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर को वहाँ पे बुलाया जाता है और उनको अवेयरनेस दी जाती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, कंज्यूमर ग्रुप ये भी ध्यान रखते हैं कि जो प्रोड्यूसर वीक कंज्यूमर को फ़ायदा उठाकर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग टाइमली बेसिस पे कौन करता है, कंज्यूमर ग्रुप, और वह ये देखता रहता है कि कौन से प्रोड्यूसर में ज़्यादा ये कैपेबिलिटी है कि वो ये काम कर रहा है, उनको ज़्यादातर देखा जाता है इन चीज़ों में। इसके अलावा कहीं पे भी अगर लगे किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है ताकि वो प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर के लिए अच्छा है या नहीं, इन चीज़ों को भी टेस्ट करने के लिए कंज्यूमर ग्रुप रखे जाते हैं। कंज्यूमर ग्रुप का और एक काम आता है लीगल एडवोकेसी, कहीं पे कंज्यूमर को लगता है कि उसको कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो ऑफकोर्स कंज्यूमर ग्रुप उनके लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आइए एक साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों के खिलाफ कंप्लेंट निकालते हैं जिनके बेसिस पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है। तो यू कैन से दैट कंज्यूमर अकेला नहीं है, कंज्यूमर ग्रुप एक रोल अदा करता है कंज्यूमर को लीगल एडवोकेसी के आगे जाने के लिए, यू कैन से दैट अपनी कंप्लेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए और अपने लिए रिड्रेसल पोजिशन को गेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कह लो कि पॉलिसी एडवोकेसी भी इसमें आता है, यू कैन से दैट कंज्यूमर ग्रुप्स जब ये सारे काम करता है तो वो एक बेस बना देता है पॉलिसी को बनाने के लिए, किस पॉलिसी को बनाने के लिए, कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ को बनाने के लिए। पॉलिसीज़ क्या करती हैं, ऑफकोर्स जब पॉलिसीज आती हैं तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अपने कंज्यूमर को किस वे में आगे बढ़ाना है और बिजनेस को भी कैसे रेगुलेट करना है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि वो कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किसी कंज्यूमर के साथ ना करें, और कंज्यूमर को भी इन चीज़ों के बारे में दिखाना है कि कंज्यूमर के अपने राइट्स हैं, उन चीज़ों के आगे झुके मत, ठीक है। दैट्स इट। अब सर इसके बाद आता है लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, वो मैं बता देता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है लेटेस्ट अमेंडमेंट्स की जब बात करें तो इसमें आप ले लो नीचे कि डेफिनेशन में सबसे पहले चेंज आया, डेफिनेशन में ये कहा गया कि जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है मतलब कंज्यूमर की, उसमें वो सारे कंज्यूमर भी कवर हो जाएंगे जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ठीक है, टेली शॉपिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा कंज्यूमर राइट्स में एक राइट को ऐड किया गया, दैट इज़ नोन एज राइट टू सीक अ रिफंड और रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज, ये एज अ राइट एक ऐड किया गया है। नंबर थर्ड CCPA, वहाँ पे क्या होता था कुछ रिड्रेसल मैकेनिज्म्स होते थे, यहाँ पे CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी रखी गई है जो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देती है जो अभी हमने ऊपर राइट्स देखे, और इन राइट्स की सेफ्टी के लिए, इन राइट्स को बढ़ाने के लिए, इनका रोल ज़्यादा से ज़्यादा आगे करने के लिए इन कमेटीज़ को रखा गया, इन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया। कोई प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को हार्म नहीं होना चाहिए, ये भी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट में आया है, किस चीज़ के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग, अगर किसी चीज़ से कंज्यूमर को कोई हार्म होता है तो उसके लिए कंपेंसेशन बेसिस पे ये एक फीचर बीच में ऐड किया गया है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम, इसमें क्या चीज़ें रखी गई, इसमें मेडिएशन सेल्स रखे गए जिसमें आप कह सकते हो कि फॉरनर प्रोसेस के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कंज्यूमर के बर्डन्स को, कंज्यूमर के मतलब कह लो कि डिस्प्यूट्स को ज़्यादा जल्दी हैंडल करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम फील ना हो और उनको लगे कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स का हल उनको मिल चुका है।
ई कॉमर्स के रिगार्डिंग भी कुछ फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट के अगेंस्ट, यानी यू कैन से दैट 1986 के बाद अब जो 2019 का कंज्यूमर एक्ट आया है उसमें ये लिखा गया है कि ई कॉमर्स के रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, यानी कोई डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है या कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उन चीज़ों से रिगार्डिंग फीचर्स भी इस पूरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लिए गए हैं। तो ये कुछ बेसिक्स मैंने बता दिया, कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ आपका कंज्यूमरिज्म यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का चैप्टर भी होता है डन। अब आता है हमारा लास्ट, क्योंकि मैंने ज़्यादा डी सेक्शन में कवर नहीं किया, मैंने कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे नज़र आ रहे हैं मैं उनमें से ही आपको कराऊं, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स में जो मैं आपको कराने वाला हूं, नंबर वन कंज्यूमरिज्म मैंने आपको करवा दिया वो वाला एक टॉपिक, और एक डीमोनेटाइजेशन, इन दोनों में से मोस्टली एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा और आपका एक क्वेश्चन डन हो जाएगा। तो कुल मिला के डीमोनेटाइजेशन आपको भी बताया कि क्या था, दैट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ द स्पेसिफिक डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी, यानी जिस चीज़ को हम पहले मनी मानते थे एज अ लीगल टेंडर वो अब लीगल टेंडर में से नहीं है, मतलब वो चीज़ अब मनी एक्सेप्टेबल नहीं की जाएगी कोई भी चीज़। मतलब जैसे अब मेरे पास कोई पुराना 50 का नोट, आपको भी बताए वो कैसा था, अगर मैं उसको आज चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कोई भी उसको नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि अब उसका लीगल टेंडर नहीं है, अब वो एक कागज़ का टुकड़ा ही माना जाएगा। तो जब तक किसी चीज़ को लीगल टेंडर नहीं माना जाता किसी चीज़ का, तो यू कैन से दैट तब तक उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती। तो कुल मिला के एज अ करेंसी डिनोमिनेशन जब तक किसी चीज़ का लीगल एक टेंडर स्टेटस है तब तक हम उस चीज़ को एज अ करंस एज अ कह सकते हो कि मनी मानेंगे, नहीं तो जब हम उसका लीगल टेंडर स्टेटस ही हटा देते हैं तो वो चीज़ किसके अंदर आ जाती है, डीमोनेटाइजेशन के अंदर। तो आपको भी बताएं कब कब ये चीज़ें हुई हैं, तो मोस्ट जो लेटेस्ट हुई थी वो 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जब पीएम मोदी जी ने क्या किया था, ऑब्वियस ही है, 500 और 1000 के करेंसी नोट्स को जो कि हाईएस्ट डिनोमिनेशन अब तक माना जाता है उसको एज अ लीगल टेंडर स्टेटस से हटा दिया था, यानी डीमोनेटाइजेशन उन चीज़ों की कर दी थी, जिसका मेन इंपैक्ट क्या पड़ा था, पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिस पे आप इसको देखोगे। पॉजिटिव बेसिस पे अगर हम बात करें तो डिजिटल पेमेंट इंक्रीज़ हुई थी, याद है ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, ब्लैक मनी को कम करने के लिए कहा गया था, भाई साहब ब्लैक मनी कम तो की गई थी, ये एज अ एडवांटेज है जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमने काफ़ी हद तक तो नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं पर काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक मनी के बेसिस पे हमने ये देखा कि काफ़ी पैसा जो छुपाया हुआ था कुछ लोगों ने, बेशक ब्लैक मनी नहीं भी था, मतलब उनको ये डर रह गया, मतलब बेशक आप कह सकते हो कि उनको ये था कि हमने ये जो पैसा रखा है ये कहीं पकड़ा ना जाए, बेशक वो पकड़ा नहीं भी जाना था लेकिन फिर भी एक डर की वजह से वो ब्लैक मनी सामने आती गई कि यार डीमोनेटाइजेशन हो गई, अब इन पैसों का कुछ नहीं होने वाला, तो बाद में पता चलेगा कुछ नुकसान हो गया हमारा, कहीं पुलिस ने पकड़ लिया तो वो नुकसान हो सकता है। इस वजह से ब्लैक मनी कहीं पे भी हमने ये देखा होगा कि लोगों ने नोट जला दिए या नोट्स इधर उधर फेंक दिए, दैट इज़ कॉल्ड एज, कि वहाँ पे हमें नज़र आया कि हमारे इस चीज़ का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ब्लैक मनी को कम करने के ऊपर रहा है। टैक्स कंप्लायंस, टैक्स कंप्लायंस क्या मतलब था कि गवर्नमेंट एफर्ट टू ट्रेस द लार्ज कैश डिपॉजिट, ऑफकोर्स टैक्स कंप्लायंस में बढ़ावा हुआ कैसे, कि जब इतना सारा पैसा सामने आया कि जो छुपा के रखा हुआ था कुछ लोगों ने, तो ऑफकोर्स जब वो लोग पकड़े गए और ये ब्लैक मनी सामने आई तो उसके ऊपर टैक्स भी लगना था, तो ऑफकोर्स टैक्स लगने का मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू बेनिफिट होने वाला था, इसीलिए इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर कंसिडर किया गया। देन आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मनी ऑब्वियसली बात है, वैसे मैंने ऊपर टैक्स कंप्लायंस का बेनिफिट दे दिया और टैक्स कंप्लायंस की बेसिस पे ही आपका अलग एक टॉपिक बन गया, एक पॉइंट बन गया, जिससे क्या हुआ कि जो मूवमेंट थी फाइनेंशियल इंक्लूजन था वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ, मतलब बैंक्स में ज़्यादा इंक्रीमेंट होने लग गए, बैंक के अंदर पैसा ज़्यादा सबमिट होने लग गया, यू कैन से दैट बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा इंक्रीज होने लग गए और गवर्नमेंट को उन पैसों से ज़्यादा सप्लाई होने लग गई, यानी यू कैन से दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अब प्रॉब्लम है नहीं था क्योंकि ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास आ चुका था और गवर्नमेंट को अब इस चीज़ पे था कि इसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए, यू कैन से दैट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा होने लग गया था एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर। देयर आफ्टर आता है कैश होल्डिंग, जो लोग ज़्यादा ये सोचते थे कि हम अपने पास ज़्यादा पैसा रख लेंगे ताकि इधर उधर ना देना पड़े और अपने पास ज़्यादा पैसा स्टोर करके रखेंगे लॉकर्स के अंदर घर में कहीं और ये छुपा कर, तो उन लोगों को एक डर बैठ चुका था कि अब हमारे पास पैसा कहाँ जाएगा, तो इस वजह से जो लोग इन चीज़ों के बारे में सोच रखते थे, ज़्यादा पैसा अपने पास ही रखते थे, उनको फ्लक्चुएट नहीं करते थे ये सोचकर कि कैश होल्डिंग रखेंगे, उन कैश होल्डिंग्स को रिड्यूस करने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन एक इफेक्टफुल स्टेप माना गया था।
लेकिन इसके साथ ही कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आए कि सबसे पहले इकोनॉमी को काफ़ी प्रेशराइज होना पड़ा, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं लॉन्ग लाइंस लगने लग गई ATMs के बाद, बैंक के बाहर। तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होने लगा कि लोग इतने ज़्यादा आने लग गए कि नए नोट्स लेने हैं या फिर हमें पैसे की ज़रूरत है। अब 500 हज़ार के नोट्स बंद हो गए, हम जिनके पास है ही वो नोट थे वो एक्सचेंज कराने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे, और जब नए नोट्स इतने मिले नहीं तो ऑफकोर्स कैश शॉर्टेज होने लग गई। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस काफ़ी देखने को मिली। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कि कोई स्मॉल बिजनेस था, कोई डेली वेजेस लेबर थे, उनको काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि अगर उनके पास ये नोट्स थे भी तो उनको एक्सचेंज जब करवाए गए तो ऑफकोर्स उनको प्रॉब्लम इस चीज़ में रही कि एक्सचेंज करवाने में टाइम बहुत लग रहा था। तो अब पुराने नोट से तो कुछ वो कर नहीं सकते थे, तो जितना टाइम उनको नए नोट्स तब नहीं मिले, एक्सचेंज नहीं करवाए गए, उनको काफ़ी इन चीज़ों से फेस करना पड़ा जो काफ़ी डिफिकल्ट था। नेक्स्ट इज़, अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, काउंटर फीट करेंसी, जिसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट एम टू कवर द काउंटर फीस करेंसी, मतलब अनक्लियर हाउ इफेक्टिव डीमोनेटाइजेशन वॉज इन अचीविंग द गोल। आपने कहा ब्लैक मनी को रिड्यूस करने के लिए इसका मेन गोल है, अरे भाई कितने हद तक ब्लैक मनी कम हुई है ये कभी तक बताया आपने? नहीं बताया। तो ये कब कितने हद तक चेंज हुआ है, कितने हद तक ब्लैक मनी कम की गई है, ये नहीं पता चला। यू कैन से दैट ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आता है कि ब्लैक मनी जो यूज़ करा था हमने इसको रिड्यूस करने के लिए, वर्ड वो कहाँ तक पहुँचा है ये हमें अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया। नेक्स्ट आता है वही बात अभी मैंने कही कि एक तरीके से कि कितने हद तक हमारे गोल सेटिस्फाई हुए वो यहाँ पे आ जाएगा, और कितने हद तक ब्लैक मनी का इम्पैक्ट हर किसी पे पड़ा है ये भी नहीं हमें पता चला। यानी जो लोग सच में ब्लैक मनी रख रहे थे, क्या वो सच में बाहर लेकर आए हैं मनी को, ये कहाँ पे डिस्क्लोज़ किया गया है? क्या सच में ब्लैक मनी अभी नहीं है? ये ऑब्वियस ही बात है, नकली करेंसी नोट्स आने लग गए थे, फिर भी नए वाले भी आने लग गए थे। तो यू कैन से दैट ब्लैक मनी को रिड्यूस करने का जो मकसद था वो दिखा नहीं कहीं पे, ठीक है, अनक्लियर रहा वो चीज़। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। डीमोनेटाइजेशन इतना ईजी काम नहीं है, क्योंकि जब हम पुराने नोट्स को कम कर रहे हैं तो नए नोट्स बनाने के लिए भी जो मशीन्स काम कर रही हैं उनके ऊपर कॉस्ट लग रही है। तो नई डीमोनेटाइजेशन करने पर नए इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट लगती हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये प्रोसेस काफ़ी लंबी है, इस पर काफ़ी लंबा खर्चा आता है, यू कैन से दैट कॉस्ट काफ़ी लगती है। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं जब डीमोनेटाइजेशन आप कर रहे हो टॉपिक, और पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट इसके देखने आपको ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और कंज्यूमर एक्ट में से आपको ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि मैं वही टॉपिक्स आपको कवर करूं जो इजी भी हैं और आप अच्छे से कर भी सकते हो और इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो चुके हैं, तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, और जिनका भी कल एग्जाम है आई एम वेरी गिविंग यू द ऑल द बेस्ट वेरी, ठीक है। तो अच्छा करके आना, और होपफुली आपको ये मैराथन काफ़ी हेल्प में देगा। और अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।